रज़वी गाइड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के जरिए जानते हैं शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अली के बारे में, जिनको बू अली कलंदर भी कहते हैं। हजरत शेख शरफुद्दीन अली रहमा की पैदाइश सन 652 हिजरी और वफात सन 724 हिजरी में हुई। आप पानीपत के रहने वाले थे। आप बड़े मशहूर मजजूब और अल्लाह के वली थे। मशहूर है कि आपने शुरू के उम्र में तालीम हासिल करने के बाद अपनी तमाम तर तवज्जुहात सुलूक और तरीकत की तरफ मफजूल कर दिया था और तमाम कुतुब को, तमाम किताबों को दरिया बुर्द करके मजजूब बन गए। ये मालूम न हो सका कि आप किससे बैत थे। अलबत्ता बाज़ लोगों में ये बात मशहूर है कि आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली के मुरीद थे और बाज़ लोगों का ख्याल है कि आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से बैत थे। लेकिन ये दोनों रिवायतें बिला दलील और बिला हुज्जत की हैं। और आपके कुछ मक्तूबात भी हैं जो आपने इश्को मोहब्बत की जुबान में तहरीर फरमाए हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख शरफुद्दीन अली रहमा उर्फ बू अली कलंदर बड़े अल्लाह के वली हैं और बहुत सारे लोग उनके दर पर, उनकी दरगाह पर, उनकी बारगाह में जाकर उनका वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। जो भी दुआ मांगी जाती है उनके दर पर वो दुआ कबूल होती है और यही अल्लाह वालों की शान है। और प्यारे दोस्तों और रज़वी गाइड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं इस चैनल के जरिए आप तक तमाम औलियाए किराम के सवाने हयात और उनकी करामतें आप तक लाता रहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने अहबाब में जरूर शेयर करें। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।